हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम माइनस थ्री ए बी सी के फॉर्मूले से एक सवाल सॉल्व करेंगे। ये कुछ 2017 में क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 बनकर आ चुका है ये वाला सवाल। तो हम ये सवाल कुछ इस तरीके से ए क्यूब माइनस 8 बी क्यूब प्लस 27 सी क्यूब प्लस 18 ए बी सी। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले ए का क्या था, होल क्यूब हो जाएगा, फिर ये प्लस की साइन बीच में आएगी फॉर्मूले के तहत, माइनस 2 बी क्यूब बन जाएगा, प्लस 3c का क्यूब बन जाएगा, माइनस 3a माइनस 2b 3c। अगर हम इसको कहते हैं फॉर्मूले, अगर हम इसको कैलकुलेटर में भी डाल के चेक करें तो 18 ए बी सी हमारा बन सकते हैं। जैसे कि यही कहते हैं माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18 बन रहा है हमारा, 18 ए बी सी ही हमारा बन जाएगा इस फॉर्मूले के तहत। तो हम अब इस पूरी वैल्यू को फॉर्मूले के तहत सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला है पूरा। अब हम इसको फार्मूला कहते हैं तो सॉल्व करेंगे। जो हमारी वैल्यू थी हम एज इट इज़ उतार देंगे इसको यहाँ पे। एट उतारने के बाद हम इज इक्वल टू की साइन डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जो ए था, ए जो था हमारा ए क्यूब है, वो ए है, ए आ जाएगा। और बी जो है हमारा, बी जो था हमारा माइनस 2b था, उसके बाद प्लस की साइन आ जाएगी फॉर्मूले के तहत। उसके बाद सी जो था हमारा 3c था, 3c है हमारा, और सी जो है हमारा 3c है, प्लस का साइन बीच में आ जाएगा फॉर्मूले के तहत। उसके बाद एक हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। दूसरे ब्रैकेट में हमें ए का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर फॉर्मूले के तहत, तो हमें स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 2b का भी होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3c का वो होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए जो था हमारा ए है, और फॉर्मूले के तहत माइनस के साइन बीच में आएगी, और ए जो हमारा ए है, और बी जो है माइनस 2b है हमारा, उसके बाद फिर माइनस के साइन बीच में आएगी। और कहते हैं हम BC अब सॉल्व करेंगे। बी जो था हमारा माइनस 2b था, और C जो था हमारा 3c था, माइनस के साइन बीच में आएगी, C जो था हमारा 3c है, और A जो हमारा A ही है। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा ब्रैकेट तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्व हो चुका था पहले ही, और ये जो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस के साइन बीच में आएगी, क्योंकि अगर हम माइनस के 2 का स्क्वायर लें, अगर हम माइनस के 2 का स्क्वायर लें तो हमारा 4 बनता है, तो 4b स्क्वायर हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस 9c स्क्वायर जो हमारा कहते हैं 3 का स्क्वायर निकला था, 9c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है हमारा माइनस 2b, और ए जो हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारा प्लस का 2ab बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2ab हो जाएगा, प्लस की साइन बीच में आएगी, क्योंकि माइनस 2b 3c से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ की माइनस साइन इस माइनस साइड से माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो हमारा 6bc हो जाएगा, प्लस में 6bc हो जाएगा। उसके बाद माइनस की साइन आएगी क्योंकि हमारा ये भी पॉजिटिव है, और दूसरा मतलब c भी पॉजिटिव था और a भी पॉजिटिव था, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो माइनस की साइन बीच में आएगी और 3ac हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है, पूरा समझ। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।